तो इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास दसवीं चैप्टर अठवां चलदा पिया त्रिकोण मिति बारे जाण पछाण अभ्यास 8.2 दे सवाल आपां करदे पए सी। तो पिछली वीडियो दे विच आपां इसका पार्ट वन कर लिया सी जिहदे विच आपां जिन्ने भी डिग्री ते मुल हो सकदे सीगे साइन कॉस ते टैन दे वो कर ले सी, आह वाला टेबल बना लिया सी। ठीक है, तो तुहानूं कहा सी कि आपां साइन कॉस ते टैन तक दे मुल आ जिहड़े सारे वो याद रखने आ, बाकी आपां आप बना लिया करांगे। इस दे नाल ही आपां इस दे जो पहला सवाल सी इस दे पंजे भाग जिहड़े डिस्कस कर ले सी। तो इस वीडियो दे विच आपां इस अभ्यास का पार्ट टू करांगे जिहदे विच जिहड़े अपने दो तो लैके जिन्ने क्वेश्चन रह गए सी उन्हां नूं डिस्कस करांगे। तो क्वेश्चन नंबर दो हैगा कि सही उत्तर चुनो अते उसका कारण दसो। तो ऑप्शनां वाले सवाल अपने कोले, फस्ट अपने कोले भाग हैगा 2 tan 30 degree वटे दे विच 1 plus tan square 30 degree। ठीक है, तो टैन 30 का मुल आपको याद होना चाहिए। तो आप कीता सीगा टैन 30 का बराबर आ 1/2 वर्गमूल टैन दे, बस तो 2 की थां 2 लिख दें टैन 30 degree। तो यह है 1/3 वटे दे विच 1 जोड़। हुण आपां नूं चाहिए टैन स्केयर 30 degree। आपां कहा सी टैन 30 degree का मुल लिख देंगे कल्ला, जिहड़ा स्केयर करना सी वो आपां इसका सारे का कर देंगे। हुण उपर की बनिया 2 दी गुणा 1 नाल सीधी करती आपां 2 वटे दे विच वर्गमूल 3, इत्थे की बनूगा 1 जोड़ 1/3 वर्गमूल 3 का सारे का स्केयर आ। तो 1 का भी स्केयर वर्गमूल 3 का भी स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होगा। वटे दे विच वर्गमूल 3 का जो आप स्केयर करांगे तो स्केयर के नाल वर्गमूल कट्टिया जाऊगा, कला रह जूगा 3। उपर तो आही रह गया 2 वटा वर्गमूल 3। वटे दे विच की बनिया हुण 1 तो हैगी वटे वाली संख्या, 1 वटे तो बिना ये वटे दे विच की ला देंगे 1। 2 वटे वाली संख्यावां विचाले 3 जोड़दा तो 83 गुणा कर दें 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 वटे दे विच आ दोनों की गुणा 3 एकम 3। तो की बन गया 2 वटा वर्गमूल 3। उस तरह थले बन जूगा 3 ते 1 4 वटे दे विच 3। हुण उपर भी 1 वटे वाली संख्या हैगी अपने कोले थले वटे वाली संख्या, तो ये हल करना तुहानूं दस्सिया वा किवें करना, तां वाली वटे वाली संख्या नूं उस तरह लिख लो गुणा जिहड़ी थले वटे वाली संख्या, इहनूं आपां उपर जाके उधर उल्टा देना, इत्थे हैगी 4/3 उधर जाके बन जूगी 3/4। हुण देखो उपर हेठां सांझे पहाड़े ते किहड़े कट्टे जांदे आ 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो उपर की रह गया कल्ला 3, वटे दे विच रह गया 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो हुण इत्थे आपां एक गल कीती सी की करना हैगा आपां कि वटे दे विच वर्गमूल आ गया, देखो की बनिया 2 3/2 2 वर्गमूल 3। तो वटे दे विच अपने कोले वर्गमूल नहीं चाहिए हुंदा, इहदे लई आपां जिवें पिछली वीडियो दे विच कीता सी कि हर दा आपां नूं की करना पैणा प्रमेय करना। तो हर दा प्रमेय करन जदों आपां करांगे तां देखो आपां कहा सी जिहड़ी चीज़ हर दे विच लिखी है वर्गमूल वाली वाधू उन्हों उपर भी मल्टीप्लाई करा दो थले भी करा दो, तो वाधू की लिखा वा आपां नूं की नहीं चाहिए वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 उपर भी लिख दो थले भी लिख दो, उपर जो हम गुणा करावे तो 3 वर्गमूल 3 आ गया, जो थले करावे गुणा 2 की थां 2 वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 नाल कीती दोनों इको जिहियां संख्यावां वर्गमूल वालियां तो की आ जाऊगा कला 3 वर्गमूल आ जिहड़ा कट्टिया जाऊगा। पिछली वीडियो दे विच कीता सी इह कंसैप्ट। हुण उपर भी 3 हैगा थले भी 3 हैगा, 3 नाल 3 वैसे ही कैंसल कर दो, तो कला की रह गया वर्गमूल 3 वटे दे विच 2। तो हुण अपनी ऑप्शन देख लैने आ, साइन 60 degree कॉस 60 degree टैन 60 साइन 30 आ, तो किहदी वैल्यू वर्गमूल 3/2 हुंदी आ। ऑप्शनां 'च देखो आपां देखांगे साइन 60 किन्ना हुंदा वर्गमूल 3/2। तो ऑप्शन नंबर इस दी की आजूगी, ए ऑप्शन आ जिहड़ी राइट ऑप्शन आजूगी। तो ये सी इसका भाग नंबर 1। नैक्सट हुण इसका भाग नंबर 2 देखते हैं। 2 दे विच लिखिया 1 minus tan square 45 degree वटे दे विच 1 plus tan square 45 degree।
तो टैन पंताली का ही अपन कला मुल चाहिए, अपन पता टैन पंताली एक होंगे तो वन माइनस, तो टैन पंताली है टैन स्केयर पंताली, तो वन का स्केयर वन प्लस इतने भी वन का स्केयर, उपर की आ गया वन माइनस वन, थले आ गया वन प्लस वन, तो एक चो एक घटाया जीरो वटे दे विच दो। ते आपां जदों वैल्यूस कीतियां सीगियां हवलियां टेबल आपां उहदे विच तुहानू कहा सी जे किसी संख्या के उपर जीरो आ थले कोई होर संख्या तो इहदा आंसर हमेशा हुंदा जीरो, तां इहदे विच हुण उपर जीरो आ तो इहदा आंसर भी की होगा जीरो। तो देख लैने किहड़ी ऑप्शन होगी, टैन नब्बे एक साइन पंताली डी जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ी इहदी की आजूगी राइट ऑप्शन। नैक्सट भाग नंबर तीन दे विच साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए उदों सच हुंदा है जदों ए बराबर है ए दा मुल आपां दसना इहदे विच किन्ना आऊगा। ठीक है, तो जे इस सवाल दे विच आपां सीधा कोई फॉर्मूला देखिए, सीधा कोई भी अपने कोले फॉर्मूला नहीं लगता पिया, तो यह किहड़ा अपने कोले सवाल आ, यह हैगा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कि ऑप्शन आपां नूं भर के देखना पैना भी किहड़ी ऑप्शन राइट आऊगी। जिवें पहली इहनां दी ऑप्शन दित्ती है जीरो डिग्री, तो सब तो पहला आपां ए नूं की भर के देख लईए जीरो डिग्री भी सज्जा पासा खब्बे पासे दे जे तां बराबर आ गया तो यह अपनी ऑप्शन सही है, नहीं तो नहीं है। तो पहला इधरले पासे मुल भरांगे साइन टू ए, तो ए दी थां ते आपां भरना हैगा जीरो, तो साइन मतलब दो गुणा जीरो किन्ना आ गया जीरो ही आ गया, दो ए दा मतलब की है दो गुणा ए, तो दो ए दी थां ते जीरो भरता दो गुणा जीरो जीरो, साइन जीरो का मुल किन्ना हुंदा जीरो। इधर भर के देखांगे दो साइन ए दी थां ते भरना आपां जीरो, दो साइन जीरो हुण दो दी थां ते दो गुणा साइन जीरो का मुल जीरो, तो यह भी किन्ना आ गया जीरो, तो खब्बा पासा किहदे बराबर आ गया सज्जे पासे दे, कदों आया जदों आपां ए नूं भरिया जीरो, इहदा मतलब इस दी ए बराबर जीरो ऑप्शन की होगी राइट ऑप्शन होगी। आपां जे ए दी थां ते 30 डिग्री भर के तुसीं इत्थे देखोगे तो आंसर का फर्क पै जूगा, खब्बा पासा सज्जे पासे दे बराबर नहीं आना, होर किसी भी ऑप्शन दे विच नहीं आऊगा, तो कल्ली ऑप्शन नंबर ए दे विच की इह राइट आ। नैक्सट देखते हैं इसका भाग नंबर चार, तो नैक्सट भाग नंबर चार अपने को दो टैन 30 डिग्री पाउन दे विच हैगा वन माइनस टैन स्केयर 30 डिग्री। ठीक है, तो इहनू किवें हल करना, देखो सब तो पहला अपने को टैन 30 का मुल आपां पहला भी भरिया सी उपर किन्ना हुंदा एक वटा वर्गमूल तीन वटे दे विच वन माइनस टैन स्केयर 30 डिग्री, तो टैन 30 हुंदा वर्गमूल तीन, इहदा सारे का की कर देना आपां स्केयर, उपर की बन गया दो वटा वर्गमूल तीन, वटे दे विच की बन गया एक माइनस एक वटा वर्गमूल तीन का सारे का स्केयर, तो एक का स्केयर एक, वटे दे विच वर्गमूल तीन का स्केयर किन्ना आ गया कला तीन, ओके वर्गमूल तीन के नाल घात दो है जी कैंसल होगी, उपर हुण आही रहूगा, थले जे आपां देखिए तां एक वटे वाली संख्या सी एक वटे तो बिना, तो वटे दे विच ला लिया एक, दो वटे वालियां संख्यावां विचाले चिन्ह घटाओ दा तो तिरछी गुणा तीन एकम तीन माइनस आ विचाले माइनस एक नूं एक नाल गुणा एक एकम एक वटे दे विच तीन एकम तीन, तो किन्ना बन गया दो वटा वर्गमूल तीन, वटे दे विच तिन्नां चों एक घटाया दो वटे दे विच वर्गमूल तीन, हुण उपर भी वटे वाली संख्या थले भी वटे वाली संख्या, तो इहनूं आपां उपर लै जाएंगे पर किवें जाऊगा उल्टा के, तो उपर की बन जूगा तीन वटा दो, आ थले सी दो वटा तीन उत्थे जाके तीन वटा दो, दो नाल दो कैंसल हो गया की बचिया कला तीन वर्गमूल तीन। हुण आपां कहा सी वटे दे विच वर्गमूल वाली संख्या नहीं हो सकती, तो इहनूं की करना पैना हर दा प्रमेय करन, की कर देंगे हर दा प्रमेय करन, तो आपां कहा सी हर दा प्रमेय करन वास्ते जिहड़ा हर लिखिया वा उहदा आपां चिन्ह बदलना, तुसीं कहिंदे इत्थे तां संख्या ही अपने कोले एक आ तो इसे नूं उपर लिख दो इसे नूं थले लिख देना। ठीक है, तो हुण देखो ध्यान दे नाल, उपर बन गया तीन वर्गमूल तीन,
थले बन गया वर्गमूल तीन की गुणा वर्गमूल तीन नाल की दो एको जिहियां संख्यावां वर्गमूल वालियां तो कला की रह जूगा तीन वर्गमूल ना वर्गमूल कट्टिया जाऊगा। हुण उपर भी तीन थले भी तीन दोनों आ भी कट्टे गए कला की रह गया वर्गमूल का तीन। हुण ऑप्शनां दे विच आपां देख लेना कॉस 60 किन्ना हुंदा वर्गमूल सॉरी 1 वटा 2 तो यह भी नहीं ऑप्शन होनी। साइन 60 किन्ना हुंदा वर्गमूल 3 वटा 2 यह भी नहीं आना। टैन 60 अपन पता जिहड़ा टैन 60 का देखो मुल आ वह किन्ना हुंदा वर्गमूल 3 यही अपना आंसर आया सी। तो ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ी इहदी की आजूगी राइट ऑप्शन के टैन 60 डिग्री यही सी अपना इसका भाग नंबर 4। तो नैक्सट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 दे विच हैगा इंपोर्टेंट ते ईजी क्वेश्चन। देखो कि जेकर टैन ए प्लस बी कादे बराबर होवे वर्गमूल 3 दे ते टैन ए माइनस बी कादे बराबर होवे 1 वटा वर्गमूल 3 दे अते आ वाला लिखा वा कि 0 तो लैके ए जोड़ बी कादे बराबर आ जां छोटा जां वड्डा 90 डिग्री दे ते ए हमेशा की तो वड्डा बी तो ते आपां ये दसना भी ए अते बी दा मुल दसना ए दा मुल अते बी दा मुल ठीक है। तो हुण एक चीज़ इस दे विच देखो कि सब तो पहला आपां नूं दित्ता की होया उन्होंने कि जिहड़ा टैन ए प्लस बी है ये कादे इक्वल आ वर्गमूल 3 दे। तो हुण एक चीज़ देखो भी आपां टैन की थां ते इत्थे किहड़ा कोण रखीए 0 डिग्री 30 45 60 किहड़ा रखीए कि आंसर वर्गमूल 3 आ जी। आपां टेबल देखते हैं आपां कहिंदे जे आपां टैन नूं 60 रखीए तां किन्ना मुल आऊगा वर्गमूल 3 इहदा मतलब इत्थों आपां की सिट्टा कढ़िया जिहड़ा ए जोड़ बी आ इहदा मुल किन्ना आऊगा 60 डिग्री क्योंकि जे इहदा मुल 60 डिग्री है तां ही आंसर वर्गमूल 3 आया। यह बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। हुण आपां ये देखिया टैन ए माइनस बी कादे बराबर आ 1 वटा वर्गमूल 3 दे। हुण टैन दे विच इत्थे किहड़ा आपां एंगल रखीए कोण 0 30 45 60 90 कि आंसर आ जाए 1 वटा वर्गमूल 3। तो आपां टैन देखते हैं 1 वटा वर्गमूल 3 आपां कहिंदे कित्थे जाके हुंदा 30 डिग्री ते। तो इसका मतलब की होया जिहड़ा अपने कोले ए घटाओ बी आ ये किन्ना होगा 30 डिग्री जे 30 डिग्री तां ही टैन 30 1 वटा वर्गमूल 3 आया सी। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। हुण बस आपां क्वेश्चन नहीं करना जिहड़ी समीकरण 1 आ अते 2 दोनों नूं जोड़ देना समीकरण 1 अते 2 नूं जोड़न ते दोनों नूं जोड़ देना। तो देखो एक समीकरण की है ए जोड़ बी बराबर 60 डिग्री दूजे समीकरण आ ए घटाओ बी बराबर 30 डिग्री दोनों नूं जदों आपां प्लस कीता जोड़िया तां बी दे नाल बी आ जिहड़ा आ जोड़ दा बी आ घटाओ दा बी कैंसल हो गए ए दे विच ए जोड़िया 2 ए 60 दे विच 30 जोड़े 90 तो ए दा मुल किन्ना आ जूगा इत्थों ए दे नाल वाधू पिया 2 तो इधर जाके की हो जूगा भाग दे विच इत्थे गुणा दे विच वाधू सी इत्थे आ के भाग दे विच तां 90 नूं 2 नाल भाग करांगे किन्ना आ जूगा 45 इस दा मतलब की होया ए दा मुल किन्ना आ गया 45 डिग्री ठीक है। यही हुण आपां मुल समीकरण 1 दे विच भर दांगे तो उत्थों आजूगा अपने कोले बी दा मुल। तो समीकरण 1 विच भरन ते तां ए जोड़ बी किन्ना सीगा 60 डिग्री इहदे विच ए दी थां ते भरता आपां 45 जोड़ दी थां ते जोड़ बी दी थां ते बी बराबर 60 डिग्री। हुण बी दा आपां नूं मुल चाहिए इहदे नाल वाधू पिया जोड़ दा 45 इधर जाके की बनूगा घटाओ दा 45 तो 60 चों 45 माइनस करांगे किन्ना आजूगा 15 डिग्री इहदा मतलब बी दा मुल किन्ना होगा 15 डिग्री। तो यही दो आपां नूं मुल चाहिए सी ए अते बी दे ए आ जांदे आ बहुत ज़्यादा पेपर दे पॉइंट ऑफ नाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे यह ईजी आ। नैक्सट हुण देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन हैगा दसो हेठ लिखियां विच्चों केड़ा सही है अते केड़ा गलत कारण साहित पुष्टि करो।
तो पहला भाग इसका हैगा साइन ए जोड़ बी चौथे का फस्ट आ वो कहिंदे काहदे बराबर हुंदा अपने कोले साइन ए जोड़ साइन बी इहदे बराबर हुंदा। तो ये आपां दसना सच आ कि झूठ आ। तो इहदे लई की करांगे कोई भी एग्जाम्पल लै लो, मान के चलो ए का मुल लै लैने आपां कोई 60 डिग्री, बी का मुल लै लैने 30 डिग्री, दोनों पासे भर के देख लैने, जे तां सज्जा पासा खब्बे पासे दे बराबर आ गया फिर तां इह सच आ मतलब सही आ, जे दोनों बराबर ना आए इहदा मतलब इह गलत आ। तो पहला आपां खब्बे पासे भर के देखते हैं खब्बा पासा, तो किन्ना खब्बा पासा साइन ए प्लस बी है खब्बा पासा। तो ए नूं आपां मन के चले हाँ ए की है 60 डिग्री, प्लस बी किन्ना मन के चले हाँ 30 डिग्री, तो ये किन्ना बन गया साइन 60 च 30 जोड़े 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का आपां मुल पता किन्ना आता 1। तो खब्बा पासा किन्ना आ गया 1। हुण आपां देख लैने सज्जा पासा, तो सज्जे पासे हैगा साइन ए जोड़ साइन बी। अपन पता साइन आपां ए दी थां ते की मन के चले हैं 60 डिग्री, जोड़ साइन बी दी थां ते मन के चले हैं 30 डिग्री। तो साइन 60 किन्ना हुंदा अपने कोले वर्गमूल 3 बटा 2, साइन 30 किन्ना हुंदा 1 बटा 2। हुण इहदे कोले वटे दे विच 2 आ, इहदे कोले भी 2 आ, वटे दे विच आ गया 2, तो उपरलियां दा प्लस आ, प्लस कर दिंदे आ। ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਜੋੜ 1 ਵਟਾ 2, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਬਰ 1 ਦੇ, ਮਤਲਬ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ 0 ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਸੀ ਉਦੋਂ 0 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਵਧਾਤਾ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 ਵਟਾ 2, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਲੈ ਗਏ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਦਾ 1। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਈ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਆਹ ਸੀਗਾ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਜੂਗਾ ਸਹੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ 0 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ 0 ਸੀਗਾ ਮੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤਾ 90 ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਸ ਜਦੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 1 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਰਤਾ 45 60 ਅਤੇ 90 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, 0 ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਤਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕੋਸ 0 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਸੀ ਮੁੱਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਈ ਗਏ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 90 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ 0 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ 0, ਕੋਸ ਹੈਗਾ 1, ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਗਲਤ। ਕਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ? ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬਰਾਬਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੋਟੇਜੈਂਟ ਏ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਟੇਜੈਂਟ 0 ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟੇਜੈਂਟ ਥੀਟਾ 0 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਸਹੀ ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣਗੇ।
तो इस वाली वीडियो दे विच आपां अभ्यास अपनी 8.2 दे ही क्वेश्चन करने सी। नेक्स्ट वाली वीडियो दे विच आपां इसकी अभ्यास 8.3 आ जिहड़े उहदे सवाल करांगे।